रही बात समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो गई है, पूरी तरह से निशाना साध रहेगी भाजपा का, अब तो खात्मा होने वाला है। और यहाँ पे किसान पिछले लगभग 150 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और और रही बात समाजवादी पार्टी मुद्दा बनाने, उन्हें तो तमाम फर्जी तरीके से मुद्दे बनाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या भारती। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो भाजपा में एक अच्छे खासे अहदे पे हैं, पद पे हैं, और फिलहाल इनका बहुत लंबे समय से इंतजार करने के बाद आज मौका मिला है। सर, थोड़ा हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं भारतीय जनता पार्टी में लगभग 30 साल से सक्रिय हूँ। मैं मंडल से लेके लखनऊ जिले का 3 बार जिलाध्यक्ष रहा, प्रदेश का प्रवक्ता रहा और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहा, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष, आज मैं किसान मोर्चे का प्रदेश मंत्री के दायित्व पर हूँ। सर, आप किसान मोर्चे के इतने अच्छे पद पे हैं, यहाँ के जो किसान हैं जिनसे हम अक्सर मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है एक छूटे हुए जानवर नीलगाय। भाजपा सरकार इसको किस तरह से सॉल्व करने में लगी हुई है? निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या थी, लंबे समय से थी। माननीय योगी जी और केंद्र की सरकार मिलकर सामूहिक रूप से दोनों सरकार जो है नया पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर लगातार गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है। आने वाले 1-1.5 साल के अंदर इस समस्या से निजात मिल जाएगा। और सर, जो किसानों की दिक्कत है कि समय पे खाद नहीं मिल पा रही, यूरिया नहीं मिल पा रही और जो कीटनाशक दवाएं हैं वो नहीं मिल पा रही है। अभी पिछले समय में देखा कि यूरिया की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई और इस पर सपा ने बहुत अच्छा खासा निशाना साधा कि भाजपा सरकार फेल हो रही है, इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी मैं पूरे जिले में आज रहा लेकिन मुझे कहीं समस्या ऐसी नहीं आई, क्योंकि जिसमें बारिश बीच में हुई थी थोड़ा समस्या 1 हफ्ते के लिए आई थी, लेकिन निर्बाध पूरे प्रदेश में खाद, बिजली, मतलब जो भी खाद की समस्या है सब किसानों को मिल रही है। कोई किसान, मैं तो आज कई चौपालों में रहा लेकिन किसी किसान ने कहा कि हमें खाद नहीं मिल रही, सबको खाद मिल रही है। और रही बात समाजवादी पार्टी मुद्दा बनाने, उन्हें तो तमाम फर्जी तरीके से मुद्दे बनाना है, क्योंकि विपक्ष में है, विपक्ष में रहने के लिए कुछ दिखाना होता है। सर, एक हमारे जिले से सटा हुआ जिला आजमगढ़ है, मंदूरी एयरपोर्ट का विस्तारीकरण हो रहा है और यहाँ पे किसान पिछले लगभग 150 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगभग 9 गांव जा रहे हैं लगभग, तो इस पे किसान पूरी तरह से भाजपा का विरोध कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? कोई भी परियोजना बनती है तो निश्चित रूप से जमीन की आवश्यकता होती है, और भाई किसानों से बात हमारी सरकार के प्रतिनिधि किया, किसानों को उनका कहना है कि हमको यहाँ स्थापित किया जाएगा, लेकिन सरकार पर्याप्त मुआवजा दे रही है, किसानों को कहीं मुआवजे पर आपत्ति नहीं है। अब थोड़ा उसमें कुछ राजनीतिक कारण, कुछ लोग इन्वॉल्व हो गए हैं तो थोड़ा व्यवधान है, लेकिन सारे किसान संतुष्ट हैं, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सर, अब थोड़ा सा पार्टी की तरफ से आते हैं, भाजपा 2024 के लिए कितना तैयार है, क्योंकि सपा पूरी तरह से निशाना साध रहेगी भाजपा का, अब तो खात्मा होने वाला है। ये तो उनके सपने हैं जो कभी पूरे नहीं होने वाले हैं, और भारतीय जनता पार्टी जनता के हितों में काम कर रही है, और लगातार आपने देखा होगा 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई है, 17 में प्रदेश में आई है, लगातार जनहित में कार्य करते हुए, लगातार जनता के सरोकारों को देखते हुए सरकार काम कर रही है, और इसीलिए हम लोग बिना किसी चिंता के उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार, केंद्र की सरकार काम कर रही है। 2024 में हम 80 की 80 सीट उत्तर प्रदेश से जीतने का काम करेंगे। रही बात समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो गई है, अब सब कोई जनाधार नहीं बचा, तो धीरे धीरे जो बचा वो सब खत्म हो जाएगा। यहाँ के जो किसान है सर, अभी आपने जन चौपालों में भी समस्याएं सुनी होंगी कि जो परियोजनाएं आती हैं वो बहुत सीमित लोगों तक जिसकी पहुंच होती है वहीं तक पहुंच पाती है, उस पर आपका क्या विचार है, उसे किस तरह से भाजपा सॉल्व करेगी? नहीं, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में बड़ी समस्या थी। अभी आपने देखा होगा कि किसान सम्मान निधि उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ ज्यादा लोगों को मिल रही है और दिनों दिन संख्या उसकी बढ़ रही है, तो थोड़ा कहीं कोई समस्या है संज्ञान में आ रही है, हम लोग उसका सरकार हमें निस्तारण करा रही है, और क्योंकि कोई नई योजना लागू होती है
तो थोड़ी बहुत कठिनाइयां आती हैं, लेकिन फिर भी सरकार 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को किसान सम्मान निधि दे रही है और तमाम अन्य योजनाएं भी सरकार किसान हितों में जो लागू लाई हैं सबका क्रियान्वयन हो रहा है। हमारे दर्शकों को और जो यहाँ की सम्मानित किसान हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? निश्चित रूप से केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार जो किसान हित में काम कर रही है और कहीं कोई कुछ योजनाओं का जो है कोई समस्या होगी हमारी सरकार उसको ठीक करेगी और हमारी सरकार पूर्णतया किसानों को समर्पित, गरीबों को समर्पित, मजदूरों को समर्पित सरकार है और सभी जाति सभी धर्म को लेकर चलने वाली सरकार है, इसलिए किसी कोई समस्या नहीं आएगी। और सर एक अंतिम प्रश्न आपसे रहेगा, अंबेडकर नगर में आप फिलहाल उपस्थित हैं और संतोष सिंह जी के यहाँ उपस्थित हैं, तो यहाँ के किसानों में आपको सबसे ज्यादा क्या खूबियाँ दिखी, सबसे विशेषताएं क्या दिखी आपको? नहीं, यहाँ किसान मेहनती है और जिस तरह से यहाँ फसलों को मैंने देखा है कि अच्छी तरीके से अच्छी तरह से किसानी कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही उपलब्धि की बात है कि अम्बेडकर नगर किसान, हमें लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में नंबर एक पे किसान है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप देखते रहे अयोध्या भारती, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, धन्यवाद।